मैं फैयाज़ अहमद फैज़ी इस वक्त डेमोक्रेसी फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। मुझे आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करना है। सबसे पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज 15 अगस्त है, आज ही के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। आज का मेरा टॉपिक है जिस पे मुझे कहा गया है बात करने के लिए, अशराफ का द्विराष्ट्र सिद्धांत और उसका पसमांदा विरोध। हम इस पे चर्चा आज करेंगे कि ये द्विराष्ट्र सिद्धांत जो भारत भूमि का जो विभाजन है भारत देश का, इसकी परिकल्पना जो अशराफ ने रखी थी उसके कारण क्या थे, और किस तरह से जो भारत का जो सबअल्टर्न डाउनट्रोडन समाज था उसने कैसे इसको जो है इसका विरोध किया। बहुत ही मैं समझता हूँ सांगठनिक रूप से भी इसका विरोध किया है और पत्र पत्रिकाओं द्वारा भी विरोध किया। तो इस पे आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि इसकी क्या बातें हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का बैकग्राउंड क्या था, क्यों द्विराष्ट्र सिद्धांत की ज़रूरत पड़ी। हम अपनी बात को 20-25 मिनट के अंदर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन सेशन होगा, आप जो चाहें सवाल पूछ सकते हैं। मैं डेमोक्रेसी को धन्यवाद दूंगा कि उसने मुझे फिर दोबारा मौका दिया है अपनी बात रखने का, अपनी बात के अपने समाज की बात रखने का। जो डाउन ट्रोडन समाज है, जो दमित किया गया, जिसको पीड़ित किया गया, उसकी बात कहीं कोई करता नहीं है। डेमोक्रेसी ने मौका दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। आप देखेंगे इस देश में अशराफ की हुकूमत चल रही थी यूरोपियंस के आने से पहले, और उनकी सत्ता जैसे चाह रहे थे वो अपना चल रहे थे। एक स्वयंभू उनकी सत्ता थी। इस अशराफ की एक आस्था रही है कि वो इसको विजित प्रदेश समझते हैं अपना। एक उनकी आस्था रही है कि जो चीज़ तलवार पर जीती जाती है वो उनका होता है, उसके उसमें जो है उनका एक अपना अधिकार होता है, और वो उसके उसकी सत्ता और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं। तो सत्ता चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। यूरोपियंस के आने के बाद इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, और ख़ासतौर से ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बड़े भूभाग पे कब्ज़ा हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे उस वक्त भी जो है अशराफ दोनों खेमे में था, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के विरोध के साथ भी और उसके अंग्रेज़ों के विरोध के साथ भी और उसके जो है साथ में रह के एलाई के तौर पे गठबंधन बना के भी इनकी बहुत सी हुकूमतें चलती रहीं, जैसे निज़ाम हैदराबाद का, जूनागढ़ का, इस तरह की आप चीज़ देखेंगे। ख़ास तौर से परिवर्तन तब उस वक्त ज़्यादा आता है 1857 के बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो है जो शासन और सत्ता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास चला जाता है, वहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अशराफ को ये लगने लगता है कि साहब जो है हम अपनी सत्ता वर्चस्व को शायद ना बना पाएँ। तो वहीं से फिर इसी सब पर्सपेक्टिव में द्विराष्ट्र सिद्धांत का जन्म होता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत पहले एक अलग से पार्टीशन की नहीं, सबसे पहले ये परिकल्पना थी कि जितने अशराफ के स्टेट्स हैं, अशराफ मुसलमानों के छोटे छोटे जितने राजतंत्र हैं उसको उसकी सुरक्षा की जाए, रक्षा की जाए, और ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे के हित को जो है एक हित की रक्षा भी करे, एक साथ रहें। तो ये पाकिस्तान की पूरी और ये पाक लैंड और पाकिस्तान, उसमें पंजाब और इस तरह के उसके शॉर्ट फॉर्म भी आप देखेंगे, पाकिस्तान का एक बड़ा सा जो है सिंध भी उसमें आ जाता है, और इधर बंगाल है थोड़ी सी। तो एक परिकल्पना शुरू में ऐसी थी, और एक दो तीन बड़े नाम हैं इसमें जिसको मैं यहाँ मेंशन कर देना ज़रूरी समझता हूँ। उन बड़े नामों में एक सर सैयद का बड़ा नाम है जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, और पाकिस्तान में आज भी उनकी बड़ी पूजा प्रशंसा है। और अल्लामा इकबाल एक बड़ा नाम आता है जो ख़ुद को जो है उन्होंने इस परिकल्पना को जो है मूर्त रूप देने की पूरी कोशिश किया। उलमा का एक बड़ा तबका जो अशराफ उलमा का था, जिसमें अशरफ अली थानवी, मौलाना शब्बीर, ये एक बड़े नाम आते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत के फेवर में। एक बड़ी विडम्बना है हमारे समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर, अशराफ इस कदर से उसने अपने तुष्टिकरण का एक आवरण बना रखा है। वो जो भारतीय सरकार है, भारत का जो शासन प्रशासन
खासतौर जो पॉलिटिकल पावर होते हैं, पहले कांग्रेस था, अब आजकल भाजपा की है, उन सब को ये एक तरह से धोखे में रखते हैं और धोखे में रख के अपना तुष्टिकरण करा ले जाते हैं कि जो है बड़ी विडम्बना है। वो तो उसी के पर्सपेक्टिव से इस बात को समझने की कोशिश करें कि सर सैयद अल्लामा इकबाल और अशरफ अली थानवी पाकिस्तान में हीरो हैं कि इन्होंने पाकिस्तान बनवाया, वो इंडिया में भी हीरो हैं। और पसमानदा चूँकि एक गुलाम टाइप की कम्युनिटी है, तो पसमानदा के भी हीरो वही हैं जो पसमानदा का ऑपरेशन रहा है, जो उत्पीड़क रहा है, पसमानदा के भी वही हीरो हैं। इसलिए पसमानदा घरों में मौलाना आज़ाद की फ़ोटो आप देखेंगे, अल्लामा इकबाल की, आसिम बिहारी या कबीर की फ़ोटो आपको न मिलेगी। बड़ा एक अलग से टॉपिक निकलता चला जा रहा है, मैं इस पर फिर कभी बात करूँगा। तो एक ये जो द्विराज सिद्धांत की आप देखें, कुछ अशराफ द्विराज सिद्धांत का खुल के सपोर्ट करता है, कुछ अशराफ जो है कांग्रेस के साथ और अलग दूसरे संगठनों के साथ कहता है कि नहीं, अशराफ का हित जो है देश के बंटवारे में नहीं, हम इसी में रह के वो करेंगे अपना सत्ता और वर्चस्व को बनाए रख। ऐसा नहीं कि ये देशभक्त है, देशभक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये इनका विजित प्रदेश था और इसमें अपनी सत्ता वर्चस्व इनको चाहिए। इतिहास भी आप देखेंगे, करीब का इतिहास देख लीजिए, वर्तमान देख लीजिए, भविष्य देख लीजिए, इसी वर्तमान और इतिहास पे भविष्य आपका बनेगा वो देख लीजिए। वर्तमान में भी इनको कश्मीर चाहिए और जो जितने आतंकवादी संगठन हैं इस देश के अंदर वो सब अशराफ चलाते हैं। बहरहाल तो दोनों तरफ से ये बैलेंस करके इन्होंने एक द्विराज की परिकल्पना, न सिर्फ मुस्लिम लीग बल्कि खिलाफत आंदोलन, जमयतुल उलमा हिंद और जितने बड़े अशराफ संगठन देखेंगे, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि इन प्रकारों जो हमारी सदियों से यहाँ सत्ता चली आ रही है उसकी रक्षा, उस सत्ता वर्चस्व प्रिविलेज की हम रक्षा करें, इसके लिए सारे कुछ होता है। लेकिन उसी वक्त जो है डाउन ट्रोडन जो मुस्लिम थे, जिनको हम पसमानदा कहते हैं, जो आदिवासी पिछड़े और दलित जो है इस देश के अंदर जो इंडिजिनस हमारा समाज है, उसने एक सांगठनिक रूप में आसिम बिहारी के नेतृत्व में इसका विरोध किया बड़े पैमाने पे। आप देखेंगे 1936-35 के आसपास आसिम बिहारी ने जो संगठन बनाया था जमयतुल मोमिनीन मोमिन कॉन्फ्रेंस, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थान हो गई थी और उस वक्त उसके पास देश विदेश में 2000 शाखाएं थी। एक बड़ा संगठन आसिम बिहारी के नेतृत्व में चल रहा था। उसने इसकी बड़ी मुखालफत किया मुस्लिम सांप्रदायिकता का, मुस्लिम सांप्रदायिकता, द्विराज सिद्धांत, मुस्लिम लीग, ये सब एक ही चीज़ के पर्यायवाची शब्द हैं। आप इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। तो मुस्लिम लीग के द्विराज सिद्धांत का, अशराफ उलमा और अशराफ लीडर्स के द्विराज सिद्धांत का जो सबसे बड़ा विरोध हुआ वो पसमानदा आंदोलन की तरफ से हुआ। जब मैं पसमानदा आंदोलन कहता हूँ तो मोमिन कॉन्फ्रेंस हेडेड बाय मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में, मैं अभी 1946 के इलेक्शन पे भी मैं इस बात करने की कोशिश करूँगा। तो ये एक इस बैकग्राउंड में द्विराज सिद्धांत का जन्म होता है और मैं इसके बाद ये उसका जो पसमानदा विरोध पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, जिसको अक्सर इतिहास में देखा किया ब्रिटिशर्स इतिहास लिखने वालों में इदा कदा ही लिख पाए, कांग्रेस और कांग्रेस नवाज या प्रो कांग्रेस या इस तरह के लोगों ने, अशराफ तो पूरी तरफ से दुश्मन था ही पसमानदा का। और आप देखेंगे इसने मोमिन कॉन्फ्रेंस और पसमानदा जो एक विरोध था अशराफ के हेजमनी पे, अशराफ के सत्ता वर्चस्व पे, जो एक भागीदारी की लड़ाई, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई पसमानदा की तरफ से थी, उसको बदनाम करने के लिए भी फितने जुल्हा, एक इलाहाबाद के सिद्दीकी साहब ने लिखा था जुल्हानामा, एक मजबूत आवाज़ बन के उभरती है और न सिर्फ आवाज़ बनती है जबकि अपने पत्र पत्रिकाओं में, लेखनी में, अपने उस वक्त जितने भी सम्मेलन होते थे उस वक्त में इस द्विराज सिद्धांत का विरोध शुरू से करना शुरू किया। 1940 में जब मुस्लिम लीग ने लाहौर के अंदर एक प्रस्ताव ही पारित कर दिया कि भाई ये जो है हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए, जिसका सबसे मजबूती के साथ जो है विरोध जो है आसिम बिहारी के नेतृत्व में मोमिन कॉन्फ्रेंस या जमयतुल मोमिनीन भी उसे कहते हैं, उसने किया था। मैं यहाँ एक दो एग्जांपल देना चाहूँगा, उदाहरण के तौर पर हम बात समझने की कोशिश करेंगे। मोमिन जो पत्र पत्रिकाओं में व्यंग के द्वारा भी और सख्त अल्फाज के द्वारा भी, यानी बहुत कठोर शब्दों के द्वारा मुस्लिम लीग द्विराज सिद्धांत का विरोध का इतिहास रहा है हमारा पसमानदा आंदोलन का। मैं एक 1937 में मोमिन गजट जो साप्ताहिक पत्रिका थी जो आसिम बिहारी के नेतृत्व में निकल रही थी, आसिम बिहारी खुद उसके एडिटर थे और
उसके एक बड़े एडिटर जो है अबू, मैंने ये नोट कर रखा है, हज़रत मौलाना अबू उमर भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने संपादकीय में एक छोटा सा बड़ा सख्त अल्फाज में मुस्लिम लीग के विरोध में मुस्लिम लीग को परिभाषित करते हुए कुछ बात लिखी थी, मैंने उसे नोट किया, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर सुने। वो 1937 का जो इनका मोमिन गजट जो निकला था उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग को परिभाषित करते हुए लिखा था कि मुस्लिम लीग एक बली गृह है जहाँ हवस और स्वार्थ पर गरीबों की बलि दी जाती है। मुस्लिम लीग क्या है, जहाँ हवस और स्वार्थ के आधार पर गरीबों, जब गरीब उसमें कहा गया तो उस वक्त बहुजन पसमानदा ही इसके टारगेट थे, ख़ासतौर से पसमानदा, कि उनकी बलि दी जाती है। दूसरा, मुस्लिम लीग तराजू का पत्थर है जो सौदे के वक्त किसी भी पल्ले पर झुक सकता है। मुस्लिम लीग एक सियासी डिक्शनरी है जिसमें हर किस्म के कमज़ोर शब्दों का भंडार है। मुस्लिम लीग एक कवि है जो आकाओं यानी मालिकों की प्रशंसा में सुंदर प्रशंसा गीत गा सकता है। मुस्लिम लीग पूंजीवादी और उच्च वर्ग का मंच है जहां स्वार्थ और व्यक्तित्ववाद पर बहस होती है। मुस्लिम लीग संपन्न वर्ग और राजतंत्र का अनुवादक है जिसकी एकता से देश की गुलामी में तरक्की होती है। मुस्लिम लीग एक ऐसा अभिनेता है जो अनुभवहीन दर्शकों के दिलों को अपनी तरफ खींच सकता है। मुस्लिम लीग आज़ादी और गुलामी का चौनप्रास है जो पूंजीपतियों के दिलों को ताकत पहुंचाकर हवस और स्वार्थ की भूख पैदा कर सकता है। ये एक उदाहरण के तौर पे हमने ये बताया कि मोमिन आंदोलन जो था, पसमानदा आंदोलन जो था, असीम बारिक नेतृत्व में उसने अपनी पत्र पत्रिकाओं से लेख लेखनी द्वारा सांगठनिक रूप में इसका ज़बरदस्त विरोध किया द्विराष्ट्र सिद्धांत का। और ये एक ऐसा इतिहास है जिसको छुपाया गया, अब जो बहुत कम लोग जान पाते हैं। दूसरा एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा, मोहम्मद जहीरुद्दीन एडवोकेट साहब अपने अध्यक्षीय भाषण में मुस्लिम लीग और द्विराज सिद्धांत का ज़बरदस्त विरोध करते हुए कहते हैं कि दिल्ली के अंदर ये कॉन्फ्रेंस 26 अप्रैल 1943 को हुआ था, लिखते हैं कि जो वो उस भाषण में कहते हैं कि मुस्लिम लीग सत्ता और शक्ति की उतनी ही पूजा करती है जितना कि कांग्रेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे लोग आ जा रहे हैं जो गुनहगार रहे हैं, जो देश के अंदर सामाजिक न्याय के विरोधी रहे हैं, और बहुत सी बातें इस थोड़े से दो लाइन में वो बात निकल के आ जाती है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जहीरुद्दीन एडवोकेट साहब अपने अध्यक्षीय भाषण में 26 अप्रैल 1943 में दिल्ली के अंदर कहते हैं कि मुस्लिम लीग सत्ता और शक्ति की उतनी ही पूजा करती है जितना कि कांग्रेस, और पूंजीवाद ठेकेदारी का वैसा ही प्रतिनिधित्व करती है जैसा कि हिंदू महासभा, और ये सब के सब यानी कांग्रेस, हिंदू महासभा आदि इस तरह के जितने संगठन हैं, सब के सब अधिनायकवाद और व्यक्तित्ववाद के प्रेमी और सेवक हैं। तो इससे, इन दो उदाहरणों से ये बात साफ होती है कि जो एक ज़बरदस्त प्रचंड विद्रोह जो विरोध जो था पसमानदा आंदोलन की तरफ से था, और मोमिन कॉन्फ्रेंस एलॉन्ग विद जो अदर आसिम बिहारी के ईमा पे उनको उनके जो है बढ़ावे पे जो अदर पसमानदा जातियों में जैसे जमेतुल हवारीन है, जमेतुल कुरैश है, जमेतुल मंसूर है, इन ये लोग भी आसिम बिहारी के नेतृत्व में इकट्ठा होके इन सब ने एक साथ विरोध किया। एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगा, जो जब 1940 में लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि भाई साहब अब हम पाकिस्तान ले के रहेंगे, इसका सबसे मजबूत जो है विरोध जो है मोमिन नौजवान कॉन्फ्रेंस, जो मोमिन कॉन्फ्रेंस का नवयुवक शाखा था, उसने एक बाकायदा अधिवेशन करके पटना के अंदर 19 अप्रैल 1940 को इसका विरोध किया कि नहीं, हम इस बंटवारे के फेवर में नहीं है, ये देश का बंटवारा, द्विराज सिद्धांत हमें कबूल नहीं है, पसमानदा कबूल नहीं। याद रखिएगा, जब पसमानदा कहा जाता है तो ये कुल जनसंख्या जो मुस्लिम जनसंख्या का 90% होता है जो इसका विरोध करता है। एक बड़ी और 1940 के अंदर में ही पसमानदा आंदोलन ख़ासतौर से दिल्ली के अंदर एक प्रोटेस्ट करता है जिसमें तकरीबन 40,000 के आसपास पसमानदा इकट्ठा होते हैं, उसमें अशराफ नहीं थे, बात समझ लेने की है। 40,000 की संख्या दिल्ली के अंदर इकट्ठा होती है पार्टीशन के विरोध में कि हम द्विराज सिद्धांत के मुखालिफ हैं, हम द्विराज के सिद्धांत के विरोध में हैं, हमें देश का बंटवारा नहीं चाहिए। ये एक बड़ा इतिहास है जो बहुत छुप जाता है।
और इसके अलावा न सिर्फ ये जो हमने बताए, इसके अलावा भी जब भी वुमेन कॉन्फ्रेंस दौरान जितने उनके ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके जो महिला विंग थी, उनका जो नौजवान विंग था, और जो इनके विदेशी में जो शाखाएं थी, जैसे वर्मा में थी, सीलोन श्रीलंका में थी, वहाँ सबसे इसका एक बड़े पैमाने पर द्विराज सिद्धांत का विद्रोह की खबरें आती रही, पत्रपत्रिकाओं में छपती रही। और एक आप देखेंगे कि अपने आखिरी दम तक बंटवारे के फेवर में कांग्रेस भी आ जाती है, इवन कम्युनिस्ट आंदोलन भी आखिर में आके बंटवारे के लिए समझौता कर लेता है कि ठीक है, देश का बंटवारा हो जाना चाहिए। लेकिन वुमेन कॉन्फ्रेंस आसिम बिहारी के नेतृत्व में, और बिहार में उसका नेतृत्व अब्दुल कयूम अंसारी कर रहे थे, बिहार पर प्रोविंशियल जो वुमेन कॉन्फ्रेंस था उसके वो सदस्य थे, उन्होंने अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बड़ा आखिरी दम तक इसकी लड़ाई लड़ी कि नहीं, हम इस बंटवारे, वो जानते थे कि ये जो मुस्लिम लीग है दरअसल अशराफ संगठन है, और ये अशराफ के हित साधने के लिए इस देश को बांट रहे हैं, ये एक सेकुलर राष्ट्र, इनको एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक मुल्क इनको पसंद नहीं, अपना अशराफवाद चलाने के लिए इनको पाकिस्तान चाहिए। और वो बात साबित भी हो गई कि पाकिस्तान के अंदर जो है आप देखेंगे पसमानदा की पोजिशन, इवन जो हिंदू पसमानदा थे, जो दलित वगैरह, उनको उधर से आने नहीं दिए गए अलीगढ़ खाने की, भैया हमारे नाली कौन साफ करेगा, हमारे घर का पखाना कौन साफ करेगा। तो एक ये बड़ा विद्रोह का एक रहा है। मुख्तसर मुझे बहुत कम समय में अपनी बात कहनी है, ये सारी जो बातें कही जा रही हैं इसका डिटेल आपको इतिहास की किताबों में मिल जाएगा, रेफरेंस के तौर पे आप मुझको जो भी आप अगर रेफरेंस लेना चाहें तो मैं एक एक चीज़ का रेफरेंस दे सकता हूँ। बहरहाल, और आते आते मैं थोड़ा सा 1946 के इलेक्शन के बारे में, हिंदू अलग लड़ेंगे, तो जो इलेक्शन हुआ था वो सिर्फ मुसलमान मुसलमान लड़ते थे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट होता था, तो इस सेपरेट इलेक्टोरेट के को ध्यान में रखते हुए 1940 के इलेक्शन पे हम गौर करेंगे। पूरे देश से मुस्लिम लीग जीत के आती है, मेजॉरिटी में जीत के आती है, और ये माना जाता है कि मुस्लिम लीग को जो है ये जो रेफरेंडम पब्लिक की तरफ से है कि नहीं था, जो है पाकिस्तान बना दिया जाए। बर लेकिन हम बिहार के इलेक्शन के ख़ासतौर से बिहार का जो प्रोविंशियल इलेक्शन था 1946 का, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक तो जो है अब सबसे पहले सोचेंगे कि उस वक्त जो है, दो तीन पॉइंट्स मैं इलेक्शन में के रिजल्ट और उसके एनालिसिस करने से पहले आपको बताने की कोशिश करूँगा कि उस वक्त वोट फ्रेंचाइज जो था, वोट देने का अधिकार सबको नहीं था, ख़ासतौर से बिहार के अंदर हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग था। कहीं आठवीं पास जो है वो उसी को वोट देने का हक था, उस वक्त आठवीं पास करना भी बहुत बड़ी बात होती थी। बिहार के अंदर ये मैट्रिकुलेशन था, यानी जो मैट्रिक पास है वही वोट दे सकता है। उसके अलावा जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स 60 रुपये था, जो प्रॉपर्टी टैक्स 60 रुपये देता था, 60 रुपये उस वक्त आप समझिए कि 60 रुपये जो है बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। यूपी में ये 150 रुपये था, कहीं इसी तरह के क्वांटिटी और इस तरह थे। बहरहाल, कुल कहने का ये मतलब कि जो दबा हुआ समाज था, डाउनट्रोडन समाज था, उसको वोट देने का हक उस तरह से नहीं था जैसे एलीट क्लास अशराफ को वोट था। इस पस मंजर में आप इस इलेक्शन को समझने की कोशिश करिए। एक तो वोट देने का हक सबको नहीं था, ख़ासतौर से जो डाउनट्रोडन लोग, जिसको नेतृत्व आसिम बिहारी कर रहे थे, पसमानदा आंदोलन था उसके अंदर सब गरीब लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग थे। दूसरा, ये दंगे के फौरन बाद हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति में अशराफ और शवण को ही फ़ायदा मिलता है। तो ये इस पर्सपेक्टिव में दंगा भी रिसेंटली हुआ था, जिसको मुस्लिम लीग भुना भी रही थी कि इस देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है। वो मुसलमान जब कहते थे तो उनके अंदर वो अशराफ से ही उसका मतलब होता था। तो वहाँ पे जो है दंगे, एक तो दंगा हो जाता है, ये सब विपरीत परिस्थितियाँ थीं। हमारे लोगों को वोट देने का हक नहीं, ये विपरीत परिस्थिति थी। हमारे लोग न उतना पढ़े थे हाई स्कूल तक, न उतने ज़्यादा मालगुजारी दे सकते थे, टैक्स दे सकते थे। दूसरा, दंगा रिसेंटली हुआ था, हिंदू मुसलमान के नाम पे समाज बटा हुआ था। उसके बाद भी वुमेन कॉन्फ्रेंस जो 40 सीट थी बिहार के अंदर, 20 सीट पे इलेक्शन लड़ती, और उस वक्त पार्टीशन के विरोध में जो अशराफ के संगठन थे, जमयतुल उलमा हिंद जो था, और ये शिया पार्टी एक थी, यूनाइटेड पार्टी थी, नेशनलिस्ट पार्टी थी, मुस्लिम पार्लियामेंट्री बोर्ड था और नेशनलिस्ट मुस्लिम था, ये लोग भी आए जो खुल के जो है पार्टीशन का विरोध कर रहे थे। आप ये यहाँ धोखा ना खाइए कि ये पार्टीशन का इसलिए विरोध कर रहे थे कि देश प्रेमी थे, ऐसा नहीं है। ये अपने सत्ता वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बैलेंस बना के थे, एक पाकिस्तान चाहिए, एक पाकिस्तान नहीं चाहिए।
और यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस भी थी, लेकिन आप देखेंगे सबका सुपड़ा साफ हो जाता है, ख़ासतौर से जितने असराफ संगठन थे, एक सीट भी उनको नहीं मिलती है मुस्लिम लीग के अगेंस्ट में, कांग्रेस को एक सीट मिलती है। और मोमिन कॉन्फ्रेंस जो आसिम बिहारी के नेतृत्व में 1946 में चल रही थी, उसको 6 सीट पे कामयाबी मिलती है, 6 सीट पे, जिसके जिसके लोगों को वोट देने का उस तरह से हक नहीं है, आप समझिए। और 11 जगह वो सेकेंड पोल करते हैं, ये बहुत बड़ा रेफरेंडम, इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप दिमाग में रखे रहिए तो आपको समझ में आएगा पार्टीशन के विरोध में कौन था और किसको इग्नोर किया गया। देश का पार्टीशन हो गया, युवराज सिद्धांत कामयाब होती है और आज इतनी कामयाब है कि पाकिस्तान बांग्लादेश लिए हुए, इनको कश्मीर भी चाहिए, दुनिया भर के आतंकवादी संगठन भी है, ये वर्तमान परिदृश्य पे जब हम आएंगे तो इसकी बात करेंगे। और आंदोलन जो था पसमानदा आंदोलन, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब इलेक्शन हो रहा था तो जितने पसमानदा संगठन थे, जमीतुल हवारीन थी, जमीतुल मंसूर थी, जमीतुल राइन थी, जमीतुल कुरैश, सब ने रिजोल्यूशन पास करके बाकायदा कहा कि नहीं सिर्फ एक बैनर से चुनाव लड़ेंगे, वो मोमिन कॉन्फ्रेंस का होगा, सारे लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस वोट देंगे। तो सिर्फ जो कोरी बिरादरी की तंजीम मानी जाती है मोमिन कॉन्फ्रेंस, ऐसा नहीं था। बुनकर जिसे आप कह लीजिए, जिसको अशराफ ने जुलाह कहा था, तो ऐसा नहीं है। तो एक ये इलेक्शन पूरी की पूरी तरह से 1946 में, हम जब बिहार की बात करते हैं, बिहार के इलेक्शन में पूरी की पूरी तरह अशराफ बनाम पसमानदा का इलेक्शन था। अशराफ बनाम पसमानदा, युवराज सिद्धांत बनाम देशभक्ति, पाकिस्तान बनाम भारत का इलेक्शन था। और एक बड़ी चीज़ है कि इसमें जो है, जो विपरीत परिस्थिति में भारत को जो एक रखना चाहते थे, जो युवराज सिद्धांत की मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, वो एक अच्छी तादाद लेके आते हैं। और वो आप देखेंगे कि, और आंदोलन की जहाँ तक बात मैं कर रहा था, बात मैं भूल जाऊँगा, कुछ मोमिन कॉन्फ्रेंस जो पसमानदा आंदोलन था, उसके कुछ लीडर्स इलेक्शन के दौरान अपने, उसका बैकग्राउंड जो भी रहा, मुस्लिम लीग की टिकट लेके आते हैं। और मुस्लिम लीग की टिकट में 6-7 लोगों ने टिकट हासिल किया था, जिसमें से 5 लोग जीत भी जाते हैं। तो अगर 6 ये 5 ही, तो 11 हो जाते हैं। तो बहरहाल वो, और उसमें कुछ इस तरह के लोग थे जो ये मानते थे कि नहीं, ये सोशल जस्टिस या जो भी भागीदारी की बात है ये सही है, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा हिंदू मुसलमान है तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर रह के बात करना चाहिए। एक आपस में, एक हर तहरीक में होता है, एक अंतर्विरोध था, लेकिन एक बड़ी बात थी कि उधर जाके भी उधर से इलेक्शन जीतते। और एक सीट जो 8 सीट से मुस्लिम लीग का कैंडिडेट जीता हुआ था, उसको बाद में कोर्ट में केस किया जाता। आप सरकारी डाटा में देखेंगे, पपिया घोष ने भी 5 ही लिखा है, लेकिन पपिया घोष लिखने पड़ने लोगों की शर्त है कि पसमानदा आंदोलन जो डाउन टोडन सबल्टन की बात है, वो मैं कबीर के मसलक का हूँ, मैं कबीर की बात को समझता पे मैं, मेरी आस्था है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। तो पपिया घोष ने कागज की देखी लिखी है कि 5 सीट, लेकिन कबीर की आखन की देखी वाली जो बात है कि वो जो है 6 सीट थी, 1 सीट बाद में वो 8 वोट से जीता था, उसमें बाकायदा पंपलेट वगैरह, इसको केस भी किया गया, उसमें मुर्दा लोगों को भी वोट दिला दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ताकतवर पार्टी थी और जाहिर सी बात अशराफ की राजा नवाबों की पार्टी थी तो ताकतवर थी, तो उसको कोर्ट में केस करके, एक अच्छी चीज़ थी उस वक्त, कोर्ट ने बड़ा न्याय दिया कि नहीं जो है हाफिज़ मंजूर हुसैन साहब जीत के आते हैं मोमिन कॉन्फ्रेंस की टिकट पर, जो 8 सीट से हार जाते हैं पहली लिस्ट में, लेकिन वो इलेक्शन से जीत के आते हैं। 6 सीट पूरी तरह से जीतना, अगर हम आंदोलन के लोग जो मुस्लिम लीग की टिकट से जीते हैं उसको छोड़ दीजिए, तो 6 सीट पे जीतना और 11 जगह सेकेंड पोल करना, वो भी उस समाज के लिए जिसको वोट देने का हक नहीं, कांग्रेस ने ना भारतीय समाज ने उस बात को समझने की कोशिश की। और ये उसमें आप देखेंगे कि अशराफ को पूरी तरह से, जो अशराफ जो पार्टीशन के खिलाफ थे, उनको अशराफ ने बिल्कुल नकार दिया कि नहीं, हमें पाकिस्तान ही चाहिए। और कांग्रेस 1 सीट भले जीत जाती है, सैयद महमूद जीत के आते हैं, वो भी अशराफ थे तो वहाँ। लेकिन आप देखेंगे जब सरकारें बनती हैं, कांग्रेस पूरा का पूरा अशराफ तुष्टिकरण करती है, हिंदुओं के जो भारतीय समाज के जो हिंदू के लिए जो आदर्श नेता थे उनसे अशराफ अपना तुष्टिकरण करा ले जाता, और सीट न जीतने के बाद भी जो है वो शासन प्रशासन में अच्छी भागीदारी मिलती है। और उस वक्त अगर किसी ने पसमानदा आंदोलन या डाउन ट्रोडन सबल्टन की बात समझी थी, तो उस वक्त लौह पुरुष, इसीलिए उनको कहा जाता है सरदार पटेल, आगे आते हैं। और अब्दुल कयूम अंसारी जो मुस्लिम मोमिन कॉन्फ्रेंस के टिकट पे जीते थे, उनको ये मौलाना आज़ाद
अशराफ को चूंकि लीड कर रहे थे दूसरे खाले पाले में, उधर जिन्ना लीड कर रहे थे इधर दूसरे पाले में, इसलिए आप देखेंगे कि पार्टीशन के बाद मौलाना आज़ाद का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है अशराफ के लिए, अशराफ के सत्ता वर्चस्व को बनाने रखने के लिए, कि जितने लीगी थे सबको गांधी टोपी पहना के इन लोगों ने कांग्रेसी बना दिया, सत्ता वर्चस्व में भागीदार बना दिया सत्ता में। तो वहाँ विरोध करते हैं मौलाना आज़ाद, तो ये बिल्कुल आपको कई जगह मिल जाएगी, मेरा एक आर्टिकल है मौलाना आज़ाद का अशराफ शरीफ, उसमें भी मैंने ये बात लिखा है। अब्दुल कईम अंसारी को मंत्रालय देने की बात होती है, लेकिन वहाँ से बिहार से वो ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन सरदार पटेल आगे आते और कहते हैं कि नहीं, ये समाज को, पसमानदा समाज को भागीदारी होनी चाहिए। और उनके विरोध और उनके सपोर्ट करने के बाद, मौलाना आज़ाद के विरोध और सरदार पटेल लौह पुरुष के सपोर्ट करने के बाद, मौलाना ये जो है अब्दुल कईम अंसारी मंत्री बनते हैं। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि आबादी के हिसाब से, जो पसमानदा की आबादी थी उस हिसाब से बड़ा कम भागीदारी थी, लेकिन फिर भी हम इसको एक सार्थक पहल मानते हैं, सरदार पटेल की तरफ से था। लेकिन कांग्रेस में और बड़े लीडर थे, बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, अशराफ तीन तीन चार चार मिनिस्टर बनते हैं, और भी अशराफ को अपने आबादी के दुगने तिगुने में प्रतिनिधित्व मिलता है और पसमानदा को कम मिलता है, न्यूनतम बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम इसको सार्थक पहल मानते हैं। लेकिन फिर बाद में सरदार पटेल दुनिया से चले जाते हैं और फिर उसके बाद में उस तरह से नहीं, वो अब्दुल कईम अंसारी ही रह जाते हैं, और मोमिन कॉन्फ्रेंस देखें कि एक उसका ना बाद में अब्दुल कईम अंसारी के साथ भी बहुत पार्शियलिटी, उन्हें केंद्र सरकार में उनको मंत्री नहीं बनने दिया गया, वो एक अलग बात है, जब वो उनको राज्यसभा इंदिरा गांधी ने बुलाया था तो मंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। अब मैं जो है अब तक जो मैं बात कर रहा था उससे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि द्विराज सिद्धांत अशराफ ने अपने सत्ता वर्चस्व के लिए बनाया, और द्विराज सिद्धांत के विरोध में जो लोग थे वो भी अपने सत्ता वर्चस्व के लिए ही थे, मेंटेन करने के, ताकि अगर इस तरह की बात है तो दोनों तरफ बैलेंस बना रहे। और जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जिन्होंने द्विराज सिद्धांत का विरोध किया वो पसमानदा आंदोलन थी, उस वक्त की जितनी पसमानदा आंदोलन थी, आसिम बिहारी के नेतृत्व में, जमीयतुल मोमिनीन, मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में उसमें आगे आई। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से उसको जो है इग्नोर किया गया, इतनी बड़ी ताकत को, अगर कांग्रेस पार्टी या उस वक्त के लोगों ने इस पावर को समझा होता कि सिर्फ जो है इतनी बड़ी आबादी जो है विरोध में है, खासतौर से अगर हिंदू मुस्लिम बाइनरी की बात करेंगे, तो मैं लगता था कि देश का बंटवारा रोका जा सकता था और एक भारत देश हमारा सोने की चिड़िया जो थी, एक बड़ा भूभाग हमारा था, वो इस तरह से डिस्टर्ब नहीं होता, अशराफ के सत्ता स्वार्थ के लिए छिन्न भिन्न नहीं होता। तो उसमें एक बात और मैं अर्ज कर दूँ मैं कि एक और भी मुस्लिम तुष्टिकरण या अशराफ तुष्टिकरण की बात करेंगे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट असेंबली में जो बहस होती थी, वो बहुत कई सालों बहस चली है, उसमें ये बहस करते थे कि भाई साहब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, रात में अशराफ बहस करते थे और सवेरे पाकिस्तान भाग जाते थे, दो दो तीन तीन ऐसे एग्जांपल हैं, मुझे नाम इस मेरे ध्यान में नहीं है, जो रात में हिंदुस्तान का संविधान कैसा बनेगा इस पे बहस करता था अशराफ, ये एक तुष्टिकरण अशराफ तुष्टिकरण था कि जो डाउन टूडन समाज था, आसिम बिहारी को उसमें नहीं बुलाया गया था, और भी बहुत से बड़े बड़े अब्दुल अहद नूर साहब थे उस वक्त, अब्दुल कईम अंसारी खुद थे जो, और रशीदुद्दीन बहादुर साहब थे, रशीदुद्दीन कुरैशी साहब जो थे जमतुल कुरैश के, तो जो पसमानदा समाज जो 90% आबादी था मुसलमानों का, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, इतनी बड़ी इलेक्शन में कामयाबी के बाद, सांगठनिक रूप में विरोध के बाद, पत्र पत्रिकाओं में विरोध के बाद, भारत की कांग्रेस ने खासतौर से, सिर्फ इसमें कांग्रेस का दोष नहीं है, ये अशराफ उनको मैनेज कर ले जाता था, समझा ले जाता था, क्योंकि अशराफ शासक वर्ग था, इसके पास साधन था, संपन्नता थी, जिसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स को भी समझा ले गए और जो कांग्रेस और उस वक्त के जो बड़े हिंदू नेता थे, जो भारतीय नेता थे, उनको भी समझा ले गए, और पूरी तरह से ये नहीं चाहते थे कि इनका जो गुलाम है पसमानदा वो उसको आज़ादी मिले, वरना इनके खेत बकरी कौन चराएगा, इनके नाले कौन साफ करेगा, इस तरह का एक जो सामंतवादी सोच थी, जो इस्लामिक सामंतवाद में इसको कहता कि जो इस्लाम में बकायदा टेक्स्टेड है और उनको राजा ही चाहिए, राजतंत्र ही चाहिए, और खलीफा के मरने के बाद उसका बेटा ही खलीफा होगा, हालांकि जो मूल इस्लाम आप देखेंगे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें इस तरह की बातें नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद से सारी गड़बड़ी हुई है, ये एक अलग इशू है, उस पर फिर कभी मौका मिला तो मैं अपनी बात रखूँगा। तो आप देखेंगे कि सब रात में बहस करते थे संविधान बनाने के लिए, सवेरे पाकिस्तान भाग जाते थे, ये किस तरह की इनकी नीयत थी, ये किस तरह की बहस में किस तरह से किस पर्सपेक्टिव से बात रखते होंगे, आप आसानी से समझ सकते हैं, अगर वो भारतीय लोगों की पर्सपेक्टिव में रखे संविधान में बहस कर रहे हैं तो अमल से उसकी नीयत पता चल जाती, फिर वो पाकिस्तान भाग के नहीं जाता। दूसरी चीज़, पसमानदा आंदोलन पे आज पाकिस्तान के अंदर आप चले जाएंगे तो एक बड़ा इल्ज़ाम है पसमानदा पे, ख़ास तौर से कोरी जो थे, बुनकर जो बुनकरों ने लीड किया था पूरे पसमानदा को,
कि जो है अगर ये गाली दे के वो कहते हैं कि जो है अगर इन्होंने विरोध न किया होता तो आज पाकिस्तान दिल्ली और लखनऊ तक होता। इसका ताना पसमानदा आंदोलन को लेकर हम भी आज तक सुनते चले आ रहे हैं। हमें इसका कोई अफसोस नहीं, हमें जो हक लगा हम अपने इस देश के लिए, क्योंकि पसमानदा नौसभिक रूप से कि उसका देश इस मिट्टी में पैदा हुआ तो देशभक्त होता है। कोई नहीं चाहेगा कि उसके घर को इस तरह से बांट लिया जाए, कोई दूसरा लेके चला जाए जो बाहर से आके हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है। और जब इस तरह से हालात बनी तो वो डेमोक्रेसी का और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो हुकूमत का गवर्नमेंट का उसमें नहीं आता है, वो अलग से बांट लेता है। तो वो ताना उसका आज तक मैं खुले तौर से कहता हूँ कि भारतीय सरकारें उस वक्त भी कांग्रेस और आज भी और जनमानस से जो भारत का जो इंटेलेक्चुअल आज भी अशराफ के धोखे में पड़ा, अशराफ उनको धोखे में रखता है। इसीलिए पसमानदा विमर्श की बात लोग अब बहुत से रिसर्च हुए हैं, सब कुछ देखेंगे, रिसर्च में भी देखेंगे, होती है पढ़ते हैं लोग, लेकिन वो उस तरह से निकल के नहीं आ पाते। लोग हमसे सवाल करते कि भाई जब इतनी बड़ी आबादी तो आपकी बात लोग क्यों नहीं करते। तो भाई देखिए हम बात कहाँ करेंगे, आज डेमोक्रेसी ने मौका दिया तो हम बात करें, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। तो ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ डेमोक्रेसी का कि इसने मुझे मौका दिया बात करने का। तो अशराफ एक धोखा क्रिएट करके नेहरू से लेके वाजपेयी से लेके मोदी जी तक सब उस धोखे में हैं कि और ये मुस्लिम भागीदारी कहीं बात होती तो अशराफी की भागीदारी होती। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी अब अशराफ तुष्टिकरण उसी रास्ते पर चल रही है। तो एक धोखे में रखा है जिसका नुकसान सिर्फ पसमानदा ही नहीं, ऐसा नहीं कि अशराफ ने जो देखा दे रखा है, जो अपनी तुष्टिकरण करा रहा है उसका नुकसान सिर्फ भुगतभोगी पसमानदा नहीं। पसमानदा एक नंबर पे सबसे ज़्यादा नुकसान पसमानदा का है हो रहा है, लेकिन पूरे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, संपूर्ण राष्ट्र इस नुकसान का मुस्लिम तुष्टिकरण अशराफ तुष्टिकरण का नुकसान उठा रहा है। देखिए जब तक आप किसी बीमारी को नहीं समझेंगे उसका इलाज नहीं कर सकते, और जब किसी बीमारी को आप समझेंगे नहीं उसका इलाज नहीं, बीमारी बढ़ती चली जाएगी। एक छोटा सा जख्म जो है कैंसर बन जाता है, फिर बीमारी इलाज हो जाती है। अभी भी वक्त है अशराफ के सच्चा सत्ता वर्चस्व और इनकी नीयत को समझा जाए। जहाँ तक भागीदारी की बात है, पसमानदा समाज को भागीदारी की बात की जाए जो नौसभिक रूप से देशभक्त है, इस देश का है, वरना ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि लाइलाज हो जाए और हमारा इतना बड़ा राष्ट्र जो है जो पहले से नुकसान उठा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के, उसमें कश्मीर पे मोदी जी ने एक बड़ा पॉजिटिव वो किया, इनको कश्मीर भी चाहिए। इस वक्त जितने आतंकवादी संगठन आप भारत के अंदर देखेंगे सबका नेता जो है वो अशराफी है, और उसके विरोध में देखेंगे सरकार में बैठे हुए नहीं भाई आतंकवादी संगठन सही नहीं है, इस्लाम शांति प्रिय मजहब, वो उसका भी नेतृत्व तो अशराफी कर रहा है, ये दोनों तरफ बैलेंस बना के चलते हैं। तो और देखिए आपने जिस तरह से इग्नोर किया गया, सबके अपने ब्रिटिशर्स के अपने हित थे कि इस देश में जो है शक्ति का संतुलन बना रहे, तो उन्होंने उसको बंटवारा करना चाहा। मुस्लिम लीग तो जो अशराफ चाहते ही थे कि उनका एक अलग देश हो जाए और वो वहाँ से मैनेज करे, वहाँ से वो इंडिया को भी मैनेज करना चाहते थे, और कांग्रेस के नेता सब बुढ़ा रहे थे, बूढ़े हो रहे थे, उनको लग रहा है जल्दी से हम लोग सत्ता कर लें, सत्ता हासिल कर लें, वरना फिर किसने देखा है। एक सरदार पटेल का नाम छोड़ दें तो पसमानदा की भागीदारी और पसमानदा आंदोलन को महसूस करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कुछ हद तक सपोर्ट किया है इसको, तो बहुत कम है इस तरह का, और हमें इनके नाम को इस बात को कह के करना चाहिए कि ये चीज़ें खुल के सामने आए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात कह चुका हूँ। अगर आप में से कोई सवाल, किसी को कुछ सवाल कहना हो तो वो सवाल कर सकता है। जी मैं समझता हूँ कि जो मेरा टॉपिक था, मुझे पसमानदा, मुझे डेमोक्रेसी ने जो टॉपिक दिया था कि अशराफ का द्विराज सिद्धांत, उसका पसमानदा विद्रोह, मैंने प्रमुख बातें तो बहुत सी, मैंने प्रमुख बातें छोटी छोटी बातें जो मेन बातें हैं छोटे छोटे शब्दों में उसको पॉइंट्स बना के मैंने कहने की कोशिश किया है। सारांश के तौर पर आप देखेंगे द्विराज सिद्धांत, अशराफ के सत्ता वर्चस्व उनका विशेषाधिकार को सुरक्षित करने के लिए ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, और वो बड़े बड़े नाम हैं सर सैयद अल्लामा इकबाल, अशरफ अली थानवी, मौलाना शब्बीर, ये वहाँ भी हीरो बने हुए हैं, अशराफ यहाँ भी हीरो बनाए हुए हैं उसको। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि जो हमारा विरोधी है, दुश्मन है, वो यहाँ भी हीरो बना हुआ, लेकिन अशराफ का अपना एक ऐसा
क्रिएशन है तुष्टिकरण का, कि वो सरकारों को भारतीय आंदोलन में जो बहुजन आंदोलन है, दलित आंदोलन है या कम्युनिस्ट आंदोलन, उनको समझा के वो अशराफ अपनी तुष्टिकरण कराता रहता है। सबसे मजबूत आवाज़ इसके पसमानदा आंदोलन ने किया था, न सिर्फ लेख लेखनी से, पत्र पत्रिकाओं से, सांगठनिक रूप में पूरे देश में इन्होंने इसका विद्रोह किया, इसका विरोध किया। और आप देखेंगे कि इलेक्शन में भी लड़के, जिस समाज को इलेक्शन में वोट देने का हक नहीं था, वो लड़के बड़े पैमाने पर विद्रोह दर्ज किया, विरोध अपना दर्ज करते हैं, लेकिन उसको कहीं से नोटिस नहीं किया जाता, ना ब्रिटिशर्स द्वारा, ना कांग्रेस लीड और दूसरे अन्य जो लोग थे। सरदार पटेल का एक नाम आता है प्रमुखता के साथ से, और आज भी अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, इतिहास को भूलते हैं, या आज भी पसमानदा आंदोलन को इग्नोर किया जाता है और मुस्लिम के नाम पर अशराफ का ही तुष्टिकरण करते करा जाए, तो राष्ट्र हित में कहीं नहीं है। पसमानदा इसका नुकसान उठा रहा है, अशराफ भी इससे फ़ायदा उठा रहा है, और पूरा राष्ट्र जो है हमारा अदर देन अशराफ, वो नुकसान में, खतरे में। तो राष्ट्र में एक अशराफ तुष्टिकरण या उसकी सत्ता वर्चस्व के लिए जिस हद तक चले जाते हैं, वो हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है। वो आतंकवादी संगठन बना लेते हैं, वो आप देखेंगे कि वो हर तरह से उसके लिए अपने सत्ता पर उसको मेंटेन रखने के लिए जिस हद तक चले जाते हैं, वो एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर जहाँ पे कई मजहब, कई धर्म, कई समाज, कई जात के लोग खुशी से मिलजुल के रहते हैं, वो ख़तरनाक है। तो इस पे थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। जी, मैं अपनी बात कह चुका हूँ, और अगर क्वेश्चन है किसी के पास। हेलो, अगर कोई क्वेश्चन है तो कह सकता है।